हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला हमारा टेंपल मंदिर के ऊपर, जहां मैं टेंपल मंदिर के अंदर गया था। वहां मैंने 3 दिन काम करा और 3 दिन काम करके मुझे एहसास हुआ कि ये काम जो है इतना आसान काम नहीं है जो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो गाइस, वहां पर जब मैंने छोड़ना चाहा उस काम को, तो उधर के जो मालिक थे उन्होंने बोला कि आप इस काम को छोड़ सकते हो, आपको इस मंदिर का एक एक रुपया आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझको एक रुपया भी नहीं दिया और इस वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो हे गाइस, जिस बंदे की आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये बंदा वहाँ का हेड है और इस बंदे ने ही मुझसे कहा था कि आपको जो है 3 दिन के पैसे मिल जाएंगे। हमारा मंदिर किसी का भी पैसा नहीं मांगता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। 3 दिन, चाहे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइस, अगर आप भी कभी जाएं तो सतर्क रहें। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर हेल्पर का काम होता है और हेल्पर का काम वो एक अलग ही लेवल पर काम करवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, तो चलिए चलते हैं वीडियो के एंड में। गाइज, ये मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये हमने एक सुरंग से निकाला है और इस सुरंग से निकालने के बाद हमें इस गेट को लेके जाना है काफ़ी दूर। ये आप पानी देख सकते हैं, ये सालों से पानी इस सुरंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुरंग पूरी की पूरी कचड़े से भरी हुई है। कह के कुछ आए और ले करवा कुछ रहे हैं। तो गाइज, यहाँ देख सकते हैं पाइपों का भंडार बना रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कचड़ा इन्होंने भर रखा है। तो गाइज, सारा कचड़ा अब हमने बाहर निकाल दिया है और ये कचड़ा जो है बाहर निकला है, इसमें से आधा कचड़ा जो है इन्होंने साफ करवाया है। गाइज, ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसे 3-4 स्टोर साफ करवाए हैं, जिनको साफ करवाने के बाद उनका माल साफ करवाया है, माल साफ करवाने के बाद वहां से झाड़ू पोछा तक लगवाया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से काम करवाते हैं, उल्टे सीधे तरीके से। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गाइज, अगर आप मंदिर में काम करने के लिए जाए तो आप बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाए, क्योंकि आपसे एक दिन काम करवाया जाएगा, दूसरे दिन आप भग जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि हेल्पर का काम है, लेकिन कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा काम करवाएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम चमक गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि हमने इसको साफ कर दिया है और चमका दिया है। यहाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी, जैसे पहले कूड़ा फैला पड़ा था उस तरीके का कूड़ा इसमें नहीं है। और गाइस, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि बस मैं क्या करूँ, उसी समय मैंने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉली के अंदर पूरा कचरा भर दिया है, अब इसको लेके जाना है हमें और एक कूड़े के कचरे के वहाँ पर फेंकना है। तो गाइस, ये इस तरीके का काम करवाते हैं, अगर आप जाएँ तो बिल्कुल भी सतर्क रहें।